5, हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, धन्यवाद। ऑलराइट, तो अभी टाइम हो रहा है 5:26, अभी पहुंचा हूं मैं मधुपुर जंक्शन। ये भाई लोग आए मिलने के लिए, नाम बता दो भाई। क्या है भाई? थैंक यू सो मच, ऐसे मिलने आता तो बहुत अच्छा लगता है। चलो भाई, 2 मिनट का हॉल्ट है तो निकलते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ ले, ये अभी मैं आ गया हूँ अपने A5 के पास। ये 1:30 बजे आ गया मेरा ट्रेन 12305 राजधानी एक्सप्रेस वाया पटना। चलो मेरा कोच आ ही गया, ये सामने वाला A6 A5, टोटल इसमें 6 सेकंड AC है और 10 थर्ड AC और 2 फर्स्ट AC, तो ये मेरा है A5। ओ भाई क्या मस्त सीट मिला है, एक नंबर सीट मिला है भाई, जो भी बोलो एक नंबर सीट। मतलब सेकंड AC में पूरा फर्स्ट AC वाला फील है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। देख लो, नीचे वाला सीट मेरा है, देखना होगा ऊपर वाला पैसेंजर कहाँ से है कहाँ से नहीं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का शुरुआत देख लो मैं कहाँ से कर रहा हूँ। ऑलरेडी व्लॉग का शुरुआत मैं घर से कर दिया हूँ, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था जन आहार का खाना के बारे में। भाई साहब, हावड़ा स्टेशन मैं सच बता रहा हूँ अभी पूरे तरीके से चेंज हो गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा हो गया ट्रैवल स्टार्ट। और जब भी मैं ऐसे ट्रैवलिंग वगैरह स्टार्ट कर देता हूँ ना, तो वीडियोस वगैरह 1-2 दिन थोड़ा डिले आता है। मतलब आता तो हर दिन ही है, लेकिन होता क्या है ना, जब मैं दिल्ली का वीडियो अपलोड करता हूँ तब ऑलरेडी मैं कहीं बाहर की तरफ रहता हूँ। तो इसलिए मैं बोलूंगा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना लाइव अपडेट्स के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं हमेशा अपडेट वगैरह करते रहता हूँ कि मैं अभी कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ कहाँ नहीं। तो मेक श्योर कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, और उससे भी मेन बात वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको मेरा इस टाइप का वीडियो सब अच्छा लगता है। तो फिलहाल आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ राजधानी से। ये जो राजधानी एक्सप्रेस है इसका ट्रेन नंबर है 12305 और मैं जा रहा हूँ हावड़ा से न्यू दिल्ली। वैसे तो मैंने हावड़ा से न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पे मैंने बहुत बार फर्स्ट AC का वीडियो बनाया हुआ है, ये जो आज का वीडियो है ना ये सेकंड AC पे है। तो कुछ ऐसा कोच है मेरा, एकदम पूरा फर्स्ट AC वाला फील है इसमें। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये टिकट मैंने कितने में बुक किया। तो मैं बता दूं, मैं हावड़ा से न्यू दिल्ली तक के लिए जो नॉर्मल फेयर है वो 4,200 रुपए के आसपास है, बट मैंने इसको तत्काल में बुक किया, इसलिए और 300 रुपए ऐड कर दो, वही 4,500 रुपए मैंने पे किया है। और इस रूट में सेकंड AC पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन सीन क्या है ना, उस समय इनका फूड कैटरिंग वगैरह सब कुछ बंद था, क्योंकि उस समय चल रहा था कोविड, और अभी तो सब कुछ एकदम नॉर्मल हो ही गया है। वो शायद वीडियो मैंने 1 साल पहले किया था, और ये 1 साल बाद राजधानी एक्सप्रेस के सेकंड AC पे मैं वीडियो कर रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ, पहले तो बैक कैमरा सबको दिखा देता हूँ कैसा सीट है क्या है, उसके बाद बाकी का बात करते हैं। तो ये देख लो, ये मेरा जो कोच है ना वो A5 है, इसके बाद A6, फिर उसके बाद जो पावर जनरेटर वाला कोच होता है ना वो है, बस एकदम लास्ट में ही है मेरा कोच। स्टेशन में कुछ ज्यादा खास नहीं दिखा पाऊंगा मैं, कोई बात नहीं। देख लो, ये मेरा सीट है, 49 नंबर सीट है ये मेरा, एकदम पूरा फर्स्ट AC वाला फील है इसमें। सामने देख लो कोई सीट नहीं है। तो मैं बहुत बार जब भी ट्रैवल करता था ना, मैं बोलता था कि काश मुझे ये वाला सीट मिल जाता सेकंड AC में, क्योंकि सेकंड AC में ये अगर सीट मिल गया आपको तो एकदम फर्स्ट AC वाला वाइब्स है। बट अगर आपके साथ कोई दूसरा पैसेंजर होगा ना तब ज्यादा मजा आएगा, नहीं तो क्या होगा कि कोई और आ जाएगा, तो फिर आप अगर ये बोलोगे कि मोहित भाई फर्स्ट AC में तो डोर होता है उसमें अच्छा प्राइवेसी मिलता है, इसमें तो वो नहीं है। कोई बात नहीं, इसमें ये देख लो कर्टन्स है, आराम से पर्दा दे दो, यहाँ पे कोई देखने वाला है ही नहीं। यहाँ पे एकदम साइड में मस्त यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे पर्दा दे दो, और फर्स्ट AC में आपको गेट मिलता है इसलिए तो फर्स्ट AC है ना। फिलहाल यहाँ पे देख लो, सीट के जस्ट पास में ही चार्जिंग सॉकेट है, काम करता ही होगा, और यहाँ पे ये रीडिंग लाइट वो भी काम कर रहा है। और सीट देखकर आप ये मत सोचो कि कितना छोटा सा सीट है, अगर आप इसको नीचे कर दोगे ना तो काफी चौड़ा और बड़ा सा सीट हो जाएगा। बाकी 2 बज गया है और 5 मिनट में ये ट्रेन यहाँ से निकल जाएगा हावड़ा से। ब्लैंकेट देख लो, मतलब अगर आप किसी नॉर्मल ट्रेन के फर्स्ट AC में जाओगे ना, फर्स्ट AC में भी कैसा टाइप का वो ब्लैंकेट देते हैं, राजधानी सेकंड AC में भी देख लो कितना बढ़िया ब्लैंकेट दे रहा है। अदरवाइज पिलो तो है ही, और साथ में भाई बेडशीट और टाल। और चार्जिंग सॉकेट ना सभी पैसेंजर के लिए अलग अलग है, एक नीचे वाले पैसेंजर के लिए इधर है, ऊपर वाले पैसेंजर के लिए इधर भी है, और एक अलग से एक्स्ट्रा इधर भी दिया हुआ है। बोतल होल्डर तो ऊपर वाले पैसेंजर के लिए वहां पे बना ही हुआ है, जो पैसेंजर का नीचे वाला सीट है उसके लिए देख लो बोतल होल्डर ये नीचे की तरफ है। बाकी ये स्पेस काफी कमाल का है, ये इधर क्लीन मिरर जहाँ पे आराम से स्टेशन आने से पहले आप सज धज कर रेडी हो जाओ। और अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, जल्दी से वॉशरूम दिखा देता हूँ। अभी भी 3 मिनट है ट्रेन को यहाँ से निकलने में स्टेशन से। टैप में पानी तो है, लिक्विड है ना, हाँ चलो। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जो मतलब बाहर के तरफ ही ऐसा बेसिन और लिक्विड वगैरह दे देते हैं, बार बार वॉशरूम नहीं जाना पड़ता है। और इधर भी एक मिरर है, चलो वॉशरूम दिखाते हैं आपको।
तो ये जो देख रहे हो राजधानी के सेकंड एसी का वॉशरूम है, जो कि बहुत ही क्लीन है। मिरर भी एकदम क्लीन है, यहाँ पे लाइट वाइट सब कुछ बहुत बढ़िया है। यहाँ तो पानी वानी रहेगा ही, आपको लिक्विड भी मिल जाएगा। ये सब राजधानी में ना हो ऐसा हो नहीं सकता। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि वो फील करना भूल जाते हैं या फिर पानी नहीं रहता होगा, बट मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है ये सब चीज का ध्यान रखा जाता है। और ये सामने में एक बड़ा सा मिरर तो है ही। तो ये देख लो, यहाँ से 2:05 में इसका निकलने का टाइम था और ये एग्जैक्ट 2:05 में यहाँ से निकल गया। जय माता दी। और देख लो, जो मैं रोड की बात कर रहा था ना, ये यहीं से कनेक्ट है। और एक चीज मैंने देखा है, राजधानी का जब भी डिपार्चर का टाइम होता है ना, मतलब पूरा स्टेशन में हर कोच के पास 2-2, 3-3 करके RPF होते हैं। और राजधानी बहुत ऐसा रेयर ही चांसेस होता है कि लेट करेगा, राजधानी टाइम पे ही रहता है मैक्सिमम टाइम। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये बिफोर टाइम ही पहुँचेगा, बट अभी बोल नहीं सकते, ठंड का टाइम है, फॉग वगैरह का भी सीन हो सकता है, बट हाँ बिफोर टाइम ही पहुँचेगा। बाय बाय हावड़ा कुछ दिनों के लिए। वैसे तो मैं बहुत सारा ट्रेन जर्नी करता हूँ, लेकिन जब भी हावड़ा से ऐसे बाहर निकलता हूँ ना, तो थोड़ा देर के लिए लगता है अजीब सा कि यार मतलब पता नहीं और कितने दिन बाद मैं देखूंगा अपने स्टेशन को। और अभी जब तक ये ट्रेन यार्ड क्रॉस नहीं कर लेता ना, यार्ड आपको याद होगा जिसमें मैंने वंदे भारत दिखाया था आपको, वो यार्ड तक ये इसी स्पीड में जाएगा। जैसे ही वो यार्ड क्रॉस करेगा अपने स्पीड में आ जाएगा ये। तो ये वीडियो मैं बहुत दिनों से बनाने वाला था अपने इस हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी के सेकंड एसी का, कि इसका सर्विस कैसा है। फर्स्ट एसी का सर्विस तो मैंने आप लोगों को बहुत बार दिखाया हुआ है, देखते हैं सेकंड एसी का सर्विस कैसा है। वैसे अपना तो ट्रेन यहाँ से जा ही रहा है, और साथ में मुंबई गीतांजलि का भी टाइमिंग सेम था 2:05 का। दोनों ट्रेन का टाइमिंग एकदम सेम है, ये भी 2:05 वो भी 2:05। देख लो, यहाँ से दो रूट चेंज हो जाता है। वो ट्रेन जो जा रहा है ना, वो चला गया साउथ वाला लाइन जहाँ से टिकियापाड़ा स्टेशन आएगा, और ये हो गया मेन लाइन। ये जो लाइन हो गया, ये हो गया दिल्ली बिहार यूपी वाला लाइन। तो ये वही यार्ड है देख लो, जहाँ पे मैंने वंदे भारत को दिखाया था। और इसके बाद इसका स्पीड पूरा ही चेंज हो जाएगा। चलो, ट्रेन तो अपना निकल गया है और देख लो अपने स्पीड में भी आ गया है ट्रेन। अब इसके बाद 1 by 1 क्या क्या सर्विस मिलता है मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको। और ये देख लो, अभी हो रहा है टाइम 2:20 और ये देखकर चले गए हैं सबसे पहले पानी का बोतल, रेल नीर वाला। और एक बात और मुझे क्या अच्छा लगा मालूम है, ये जो विंडो भी है ना, क्लीन है एकदम। और ये ट्रेन देख लो, स्टेशन से निकलते ही 129-130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। और वैसे अगर मैं बात करूँ इसके स्टॉप का, तो देख लो हावड़ा जंक्शन से इसका निकलने का टाइम था 2:05 का, जो कि टाइम पे निकला एकदम। इसके बाद जो इसका पहला स्टॉप है लगभग 100 किलोमीटर बाद, जो कि है बर्धमान जंक्शन। फिर शाम के 5 बजे जो इसका स्टॉप है वो है मधुपुर जंक्शन में। फिर देख लो 5:30 बजे जसीडीह जंक्शन, रात के 9 बजे आ जाएगा पटना जंक्शन। फिर 12:45 में आएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तब तक मैं हावड़ा से 745 किलोमीटर कवर कर लिया रहूंगा। फिर रात के 2:43 में आएगा प्रयागराज जंक्शन। फिर सुबह 4:50 लगभग 5 बजे कानपुर सेंट्रल, और कानपुर सेंट्रल के बाद डायरेक्टली ये रुकेगा 10:05 में न्यू दिल्ली। लगभग ये ट्रेन से मैं 1532 किलोमीटर ट्रैवल करने वाला हूँ। और इस 1532 किलोमीटर में क्या क्या खाना आता है मैं सब कुछ बताऊंगा। वैसे वो जब पानी देने के लिए आए थे ना, तब उन्होंने मुझसे पूछा वेज या नॉन वेज के लिए। जैसा कि मैंने बताया आपको, आप टिकट बुक करते समय कुछ भी चूज कर लो, लेकिन ये फिर से पूछ लेते हैं एक बार। अभी देख लो 2 बजे के लगभग तो मैं ट्रेन में बोर्ड किया हूँ। मेरे को नहीं लगता कि सर ये लंच देंगे, सर स्नैक्स ही देंगे सर, पता नहीं जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा।
ट्रेन तो अपना मस्त चले जा रहा है, और नॉर्मली जो सेकंड एसी का जो सीट सब होता है ना, इधर दो सीट होता है और इस वाले साइड दो सीट होता है। ऐसा बस फर्स्ट एसी का कूप होता है जहाँ पे बस दो सीट मिलता है और ये वाला जगह खाली रहता है पूरा। मैं भी दो मिनट पहले ये स्टोरी लगाया और आप में से काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि मोहित भाई ये कौन सा क्लास है, कौन सा कोच है, मतलब आपका कोच नंबर क्या है। बाकी ट्रेन देख लो अभी भी 129-30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले जा रहा है, जस्ट अभी बर्धमान आने ही वाला है और 36 किलोमीटर दूर है यहाँ से। देखते ही देखते पहुंच गए हैं बर्धवान जंक्शन। वैसे बर्धवान जंक्शन में इसका पहुंचने का टाइम था 3:07 का और अभी टाइम हो रहा है 3:12। ट्रेन अपना 5 मिनट डिले, बस 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ। चलो एग्जैक्टली 2 मिनट में ट्रेन निकल चुका है यहाँ से, 5 मिनट डिले है ट्रेन अपना, कोई बात नहीं वो मेकअप हो जाएगा। और वही मैं बोल रहा था, देख लो टॉयलेट का अभी कोई गया हुआ है ना, वो रेड लाइट ऑन हो गया वहाँ पे, तो ये चीज काफी बढ़िया है। ट्रेन में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना है तो आप ये यूज कर सकते हो। ये देख लो, इसके बाद मुझे मधुपुर जंक्शन, जसीडी, पटना, ये सब स्टेशन में कुछ मिल जाएगा। जैसे मैं पटना में देखता हूँ क्या मिलेगा मुझे, लंच बॉक्स, एक्सप्रेस फूड सर्विस, चिलीज फूड पॉइंट, बेरोज बिरयानी, रेल यात्री, फूड ट्रेन, बहुत कुछ ऑप्शन मिल रहा है। देख लो ट्रेन ढाबा, राजभोग, फासोस का रैप भी मिल जाएगा आपको। देख लो भाई, इतने सारे जगह से आप खाना ऑर्डर कर सकते हो, ओवन स्टोरी का पिज्जा वगैरह सब कुछ आप ऑर्डर कर सकते हो। वैसे तो नींद काफी अच्छा हुआ था, रात में जल्दी सो गया था, सुबह उठ के एडिटिंग करना था इसलिए, बट अंदर का टेम्परेचर अभी इतना बढ़िया है ना, इतना नींद आ रहा है कि क्या बताऊं मैं। वही अभी सोने का ट्राई कर रहा था मैं, तभी मेरा स्नैक्स भी आ गया, दिखाता हूँ मैं क्या आया है। तो अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 3:44 और ये आ चुका है मेरा स्नैक्स। वैसे मधुपुर जंक्शन अभी भी यहाँ से 135 किलोमीटर दूर है, बट ट्रेन अपना वही 128-130 की स्पीड से चले जा रहा है। स्नैक्स में देख लो ये सब कुछ आया है, ये हींग जीरा चना, ये तो वही चाय सामग्री है यार, पता नहीं क्यों देते हैं, राजधानी में ही मैं देखता हूँ ये सब देते हैं। वो अभी जो तेजस, वंदे भारत ये सब में मिलता है ना, बाघ बकरी का या फिर वो मिक्स करने वाला चाय, वो बढ़िया होता है, ये एकदम भी अच्छा नहीं होता है। अगर ये चाय देकर जाए ना तो आप ब्लैक टी पिया करो, और इसके अंदर जो मिल्क पाउडर रहता है ना उसको चाट लिया करो, सबसे बेस्ट है। और ये तो कचौड़ी है, गर्मा गर्म कचौड़ी, साथ में ये डाइट मिक्सचर भी है जिसको हम लोग बोलते हैं चीरा भाजा, चीरा मतलब चूरा, भाजा मतलब भुजा हुआ, और एक मीठा भी है, तो पता नहीं ये कौन सा मीठा है क्या है, मैं सब कुछ दिखा दूंगा। और बाकी एक बात तो है, इस वाले रूट में ना बहुत दिनों बाद में ट्रैवल कर रहा हूँ। वैसे इसको मैंने चेक किया, इसके अंदर लड्डू है फीकाराम चंदमल का, यहाँ पे लिखा हुआ है जो पैकिंग डेट है ना वो 11 तारीख का है, और नीचे में लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर 10 डेज। ठीक है, अभी भी 10 दिन हुआ नहीं है, बढ़िया। इसके अंदर देख लो ये लड्डू है, ये अभी क्रॉस कर रहा हूँ मैं दुर्गापुर। सच बता रहे भाई, ये सब मतलब रूट में एकदम भूल ही गया था, बहुत दिनों बाद इस रूट में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। वाकई में ये जो कचौड़ी है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। बाकी ये विकारम चंदमल का लड्डू। वैसे चाय के लिए देख लो गर्म पानी देकर तो चले गए, एक काम करता हूँ लाल चाय बना लेता हूँ मैं। अभी जस्ट मैंने अंडाल स्टेशन क्रॉस किया। बाकी ये चना बहुत अच्छा लग रहा है, ये हींग जीरा चना है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कचौड़ी तो था ही एक नंबर। तो देख लो अभी आने वाला है आसनसोल, बट आसनसोल में इसका स्टॉप नहीं है, इसका स्टॉप है मधुपुर जंक्शन में। अभी टाइम देख लो 4:19 हो रहा है और ये आ गया आसनसोल जंक्शन। आसनसोल में इसका स्टॉप नहीं है, वैसे पता नहीं फिर भी इतना धीरे क्यों हो गया ट्रेन, ट्रेन वापस से फास्ट हो गया, पता नहीं आसनसोल में क्यों स्टॉप नहीं है, जबकि देना चाहिए ना आसनसोल में स्टॉप। और अभी यहाँ से जो मधुपुर जंक्शन है ना 47 किलोमीटर दूर है, अभी मैं पहुंच गया हूँ जामतारा झारखंड। वैसे क्या प्यारा सनसेट हो रहा है, पता नहीं कैमरा में दिखेगा या नहीं ठीक से। न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
नंबर प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, धन्यवाद। ऑलराइट, तो अभी टाइम हो रहा है 5:26, अभी पहुंचा हूं मैं मधुपुर जंक्शन। ये भाई लोग आए मिलने के लिए, नाम बता दो भाई। यकीन, यकीन, आयुष, प्रथम, ज्ञान। क्या है भाई? थैंक यू सो मच, ऐसे मिलने आता तो बहुत अच्छा लगता है। चलो भाई, 2 मिनट का हॉल्ट है तो निकलते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ ले लो ले लो। वैसे ट्रेन अपना देख लो 20 मिनट डिले हो चुका है, और यहाँ इसका आने का टाइम था मधुपुर जंक्शन में 5:09 में यहाँ इसका आने का टाइम था। यहाँ 3 मिनट का हॉल्ट था इसका, बट ट्रेन 20 मिनट डिले हो गया। देखो अगर ऐसे मिलने आते हो ना, बस मिल लिया करो, यही बहुत अच्छा लगता है। प्लीज ये सब लेकर मत आया करो। आई नो, चलो प्यार है देते हो, बढ़िया बात है, लेकिन ये सब नहीं, आओ मिलो, बहुत अच्छा लगता है बस। एग्जैक्टली 3 मिनट बाद स्टेशन से निकल गए 5:30 बजे। तो मधुपुर से निकलने के बाद अभी टाइम हो गया है 5:45। नेक्स्ट स्टॉप जो इसका है वो है जसीडी, और ट्रेन चल रहा है अपना 20 मिनट लेट। और एक चीज ना मुझे बहुत अच्छा लगा, हर कोच में 2-2, 4-4 करके आरपीएफ है, लग रहा है कि यहाँ मैं राजधानी में ट्रेवल कर रहा हूँ। अभी वैसे टाइम हो रहा है 5:58, तो ट्रेन देख लो पहुंच चुका है जसीडी जंक्शन, और ट्रेन चल रहा है मेरा 24 मिनट लेट। और यहाँ चल रहा है अपना डिनर का तैयारी। मुझे लगा था कि सूप मिलेगा, लेकिन सूप सिर्फ फर्स्ट एसी में अभी मिलता है। अगर मैं अभी फर्स्ट एसी में होता तो अभी सूप सर्व किया जाता है, उसके बाद डिनर, क्योंकि अभी डिनर में बहुत टाइम है। डिनर कितने बजे तक सर्व करते हैं भैया आप लोग पटना के बाद? जसीडी क्रॉस हो गए, अच्छा 7:30 बजे सर्व करना स्टार्ट कर देंगे। वैसे राजधानी जसीडी में 4 मिनट के लिए रुकता है। चलो सिग्नल भी हो गया, तो अभी टाइम देख लो 7:49 हो रहा है, और ये आ चुका है अपना डिनर। डिनर को लाया देख लो कैसे पूरा ग्रेवी वगैरह, मतलब ऊपर नीचे सब हो गया है। सबसे जो बड़ा फर्क होता है फर्स्ट एसी, सेकंड एसी एंड थर्ड एसी में, ये जो खाना देने का तरीका होता है ना, वो फर्स्ट एसी में इस टाइप से कभी वो नहीं दे पाएंगे खाना, जितना मैं लिख के दे देता हूँ। अगर वो ऐसा हो भी जाएगा ना, तो उसको वो साफ कर देंगे, ठीक करेंगे, उसके बाद ही देंगे। खास करके फर्स्ट एसी में ना कटलेरीज का ज्यादा यूज किया जाता है। अच्छा प्लेट रहेगा, कटोरा रहेगा, स्पून फॉक तो रहेगा ही। बाकी हाँ, ये तो राइस है, ये दाल है, ये पनीर है, मैंने वेज वाला लिया है, साथ में ये पराठा। और नॉन वेज वाला में सेम ही रहता है, बस ये पनीर हटा के यहाँ पे चिकन कर दो, मैंने बहुत बार ही बताया हुआ है। एक होता है ना खाना देखते ही लगता है कि हाँ भाई बहुत बढ़िया होगा, ये वो बहुत बढ़िया वाला फैक्टर नहीं दिख रहा है इसमें, ये बस लग रहा है काम चलाओ खाना। ये देख लो पनीर भी देखकर उतना बढ़िया नहीं लग रहा है यार। सच बताया तो खाना देख करना थोड़ा माइंड अपसेट हो गया, क्योंकि जब मैं तेजस राजधानी थर्ड एसी से आ रहा था मुंबई से दिल्ली, वो थर्ड एसी में भी इतना बढ़िया खाना, मतलब दिखने में भी अच्छा लग रहा था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। टेस्ट करते उसके बाद बताते कैसा है। चलो जी, कोई जगह मिला नहीं मुझे, तो ये वाला जगह सबसे परफेक्ट लगा। कैमरा थोड़ा हिल रहा हो क्योंकि ट्रेन थोड़ा हिल रहा है अभी, बट चलेगा। गोप्रो का स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है, भले क्वालिटी अच्छा नहीं है, स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है। बाकी सबसे पहले मैं राइस और पनीर ट्राई कर रहा हूँ, यही देखकर अच्छा लग रहा है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखकर भी लग रहा था अच्छा नहीं होगा, और वाकई में इसका टेस्ट भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इनफैक्ट इनका राइस भी अच्छा नहीं है, और पनीर का ग्रेवी तो पता नहीं क्यों इतना पतला है। यार अच्छा होता था खाना, एक बात बोलना पड़ेगा, ये पनीर है फ्रेश, और बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है। पनीर के ग्रेवी में कोई टेस्ट ही नहीं है, तो रोटी के साथ या पराठा के साथ भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो दाल है इसको तो खैर ट्राई करने का मन में नहीं कर रहा है, तो यही है देख लो। अभी कौन सा स्टेशन क्रॉस हो रहा है पता नहीं, देखना पड़ेगा। अच्छा तो अभी मुकामा स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, मैं तो बस इसमें से पनीर ही खा लेता हूँ, वही थोड़ा ढंग का लग रहा है, अदरवाइज कुछ भी अच्छा नहीं है। चलो कोई नहीं, जितना हो पाएगा उसको ख़त्म करते हैं, साथ में ये दही भी देकर चले गए। दही के बाद मेरे को नहीं लगता कुछ देंगे, शायद हो सकता है आइसक्रीम वगैरह दें, पता नहीं, अगर देंगे तो जरूर दिखाऊंगा मैं। ये देख लो मेरा ट्रेन हावड़ा से, ये ट्रेन नंबर 12305 न्यू दिल्ली तक था, जो कि कल मैं 10:05 तक पहुंचता। तो यहाँ पे देख लो पैसेंजर नेम मोहित सिंह। हो सके तो मुझे जो जर्नी है ना बीच में ही थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना होगा, मुझे अभी कोलकाता जाना पड़ेगा वापस से, और कोलकाता मुझे कल 12 बजे से पहले पहुंचना है। तो हाँ अभी इसको कंप्लीट करते हैं, फिर पटना आएगा तो पटना उतर जाएंगे, और देखते हैं पटना से क्या ले सकते हैं। खाना तो इनका एकदम अजीब था, मैंने फीडबैक भी दिया, वो बोले कि सर अब कैटरिंग पर डिपेंड करता है, क्या बोले ये बोले वो बोले, मैं समझ गया उनके पास भी आंसर है, नहीं तो मैं क्या ही ज़्यादा डिबेट करूँ। तो यहाँ पे देख लो ये आइसक्रीम मिल चुका है मुझे, और अफसोस मैं इस ट्रेन का ब्रेकफास्ट नहीं दिखा पाऊंगा, बट कोई नहीं, अभी मैं प्लान कर रहा था, लाइक मैंने अभी इंस्टा में स्टोरी डाला है। आप में से वैसे काफ़ी लोगों का अभी DM आ रहा है मुझे कि
कि मोहित भाई आप बस ले लो या फिर ऐसे जाओ वैसे जाओ, गया चले जाओ, इधर चले जाओ। तो हाँ, मैं देख रहा हूँ जो भी मेरे लिए बेस्ट होगा मैं वही रूट ले लूंगा। हाँ जी, तो अभी बस थोड़ी ही देर में मैं पटना पहुँचने वाला हूँ। वैसे तो ये ट्रेन लेट था, 20-25 मिनट लेट था। भाई जो अभी मेकअप किया है ट्रेन में दिखा रहे बस 5 मिनट ये डिले है। कोई बात नहीं, अभी पटना आने वाला है, पटना उतरता हूँ, सामान वगैरह समेटता हूँ मैं। पटना से मेरा प्लान हो रहा है यहाँ से गया निकलने का, रात में ही निकल जाऊंगा मैं। देखो क्या होता है क्या नहीं। गया से ट्रेन एक दिख रहा है मेरे को, मैं बताऊंगा वो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। फिलहाल ये वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।